मुंबई का रुख करते हैं। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। मुंबई का क्या हाल है शिवांगी? वहां पर भी अलग अलग बीचेस पर व्यवस्था की जाती थी हर साल छठ पर्व की, इस बार कोरोना गाइडलाइंस हर जगह फॉलो हो रही है, क्या नियम कायदे बनाए गए? समीर, इस वक्त जिस जुहू बीच पर मैं खड़ी हूँ, अगर पिछले साल की बात करें तो ये दृश्य नहीं होता। जरा तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी। ये वही जुहू बीच है जहाँ तैयारियां जोरों शोरों पर चलती थी और पूरे एक दिन ऐसा लगता था कि बिहार यहाँ पर उतर आया है। लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आप ये सूनापन देख लीजिए। हालांकि ये सूनापन इंसानों की ही गलती है, गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा और इसी की वजह से ये मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। साथ ही राजनीति सिर्फ दिल्ली में शुरू नहीं हुई है, महाराष्ट्र में भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के नेताओं की बात करें तो बीजेपी जहां अलग राग अलाप रही है, वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी ने साफ तौर पर कह दिया है कि घाट पर जाकर आप छठ नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल पौंड बनाए जाएंगे। अभी अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं घर पर ही छठ करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी पार्टी उनके विचारों के साथ नहीं है। पार्टी साफ तौर पर चाहती है कि जो पूर्वांचल के वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश की जाए। आपको मुंबई का और एक चीज बताते हैं, यहाँ पर लगातार हम देखते हैं कि उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके बीच अनबन चलती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये भी था महाविकास आघाड़ी के लिए, राज्य सरकार के लिए, कि जब गणपति जो कि मराठियों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, उस वक्त जब चीज़ों को नहीं खोला गया, उस वक्त जब अनुमति नहीं दी गई, ऐसे में छठ पूजा पर अनुमति कैसे दे दी जाए? तो एक तरह से मराठा प्रेम अलग तरह से जागा हुआ है, दूसरी तरफ उत्तर भारतीय वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है और इस सब के बीच कोरोना जैसे लगता है राजनेता भूल गए हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने में लगे हैं। हालांकि यहाँ पर मुंबई कर ज्यादा समझदार नजर आ रहे हैं, जिन छठ व्रतियों से हमने बात की साफ तौर पर वो कह रही है कि अगर फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।